अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूसुफ गुलशेख रद्द अमल 786 से हाजिर खिदमत है। मशहूर व्हीलर और टिकटॉकर शाहनवाज, जिसको बड़ी बेरहमी से लाहौर के अंदर कत्ल किया गया और शॉपर गैंग ने इसको कत्ल किया, इसके मुतालिक आपको मैं बताना चाहता हूँ। शॉपर गैंग कौन है, क्या है, वो क्या करता है? शॉपर गैंग एक लड़कों का ग्रोह है जो व्हीलिंग करते थे और लवाहिकीन के मुताबिक उसके जो अजीज़ व अकारब हैं वो मंशियात वगैरह के दो नंबर ही काम करते हैं। कोई इतनी मतलब खुशहाल किस्म की फैमिली नहीं है। और ये शाहनवाज के गली के करीब ही जो है ना, जहाँ उसका घर था उसके एक दो थोड़ी करीब ही, यानी कि उसके उसका भी घर था। और ये दोनों लड़के आपस में दोस्त भी थे। और वो जो शॉपर है जिसने इसका कत्ल किया शाहनवाज का, वो इससे सीनियर था। अब उसको लोहेकिन का ये कहना है कि शाहनवाज जिस तरीके से कंट्रोल रखता था गाड़ी के ऊपर और जिस तरीके से उसके स्टंट दिखाता था और जिस तरीके से उसके कमालात दिखाता था, इसके करीब कोई लाहौर या पाकिस्तान में भी कोई फटक नहीं सकता था। जिसका रंज या जेलसी या हसद जो है ना, वो शॉपर को था। और इसी को लेके इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी और आखिरकार उन्होंने इसको धोखे से बुलवा के घर के ऊपर सुलह के बहाने से इसको कत्ल कर दिया बड़ी बेरहमी के साथ, ताकि ये रास्ते से हट जाए। ये शाहनवाज के जो वारिसीन हैं उनका ये बयान है। जबकि शॉपर गैंग उसके वालिद और भाई वगैरह को तो पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, लेकिन जो शॉपर है वो ताहाल रूपोश है, अभी तक उसका कोई पता नहीं। अब वो सामने आए तो उस तरफ से भी मौकफ आएगा कि वजह है जो मर्डर की या कत्ल की, क्योंकि उधर से जो शुरू में रिपोर्टिंग आई, जो रिपोर्ट आई जराए के मुताबिक, तो उन्होंने मरने के बाद खुद पुलिस को फोन किया कि ये डकैती करने आया था और हमने इसको मारा है। अब वो डकैती का रंग इसको देना चाह रहे हैं, जिसको मानने के लिए ना तो शाहनवाज के फॉलोअर तैयार हैं और ना ही शाहनवाज के जो वारसीन हैं इस चीज़ को तैयार हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपके सामने इंतहाई माजरत के साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत होती है। आज 7 दिन या 8 दिन गुजर गए इस लड़के को कत्ल किए हुए, शॉपर इनको अभी तक मिल नहीं रहा, और अगर मिल गया है तो वो कहाँ पे है, किसकी कस्टडी में है, ये भी एक सवालिया निशान है। क्योंकि पंजाब पुलिस इंतहाई एक्टिव है और जब उसका वालद और उसका भाई पुलिस की कस्टडी में है तो ये भी उनकी कस्टडी में होगा। अब मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैंने आपको ये थम मेल लगाया है, कि 2 महीने पहले लाहौर रंग के नाम से मेन स्ट्रीम टीवी है उसके ऊपर एक प्रोग्राम आता है थानेदार के नाम से, जिसके अंदर क्राइम की जो वारदातें होती हैं उसको दिखाया जाता है। ये तकरीबन प्रोग्राम आधे घंटे का या पौन घंटे का होता है। तो 2 महीने पहले एक प्रोग्राम ऑन एयर हुआ, उसके अंदर उन लोगों ने एक गैंग पकड़ा। वो गैंग व्हीलरोही का था और वो लोग डकैतियाँ करते थे। सिटी डिवीज़न लाहौर के अंदर ही ज़्यादातर वो डकैतियाँ करते थे, शाहनवाज भी सिटी डिवीज़न में रहता है। उन्होंने पकड़ा, तकरीबन 60 मोबाइल उन्होंने उनसे बरामद किए, करेंसी बरामद की, 4 लड़के पकड़े गए। 4 लड़कों में एक लड़का ये शाहनवाज भी है। ये ऑन एयर है, आप सोशल मीडिया पे जाएं, लाहौर रंग का थानेदार नाम से प्रोग्राम को आप क्लिक करें शाहनवाज के लिए, तो वो आपको पूरा प्रोग्राम आपके सामने आ जाएगा। मैं अपने पास से ये बात नहीं बता रहा, लेकिन ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि मकतूल की जो है ना उसके ऊपर कोई किसी किस्म के ऐसे आर्गूमेंट या ऐसी कमेंट्स किए जाएं जिससे आप फाल उसके जो फैन हैं या उसके जो वारिस हैं ना उनको तकलीफ हो। इसमें इसके जो मूवी, इसकी जो वीडियोस चल रही हैं कत्ल की, ये पूरा पाकिस्तान देख रहा है। हर दर्द दिल रखने वाला औलाद वाला बंदा जो है ना वो परेशान है कि ये हमारे माशरे में हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है। अब इसके अंदर इबरत का और मैसेज का पहलू आपके सामने लाना भी बहुत बेहद ज़रूरी है। तो इसमें मैसेज और इबरत का पहलू यही है कि ये बच्चा इंतहाई कामयाब व्हीलर था, स्टंट दिखाने का माहिर हो गया था ये। अगर इसको अच्छे तरीके से, इसको अच्छे लोगों के पास, इसको अगर इसके बैकअप में कोई इसके वालदेन या कोई अदारा या कोई और कमर्शियल लोग जो इसको कमर्शलाइज तरीके से इसको इस्तेमाल करते, तो ये बच्चा शायद बहुत आगे निकलता, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करता। हालांकि व्हीलिंग के ऊपर पाबंदी है, लेकिन कमालात और करतब दिखाने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। स्टंट होते हैं, फिल्मों में भी इसकी शूटिंग आती है,
कमर्शियल्स में भी आती है, मॉडलिंग में भी काम आते हैं, और इस बच्चे के पास इस किस्म की ऑफर्स थी और ये तैयारी कर रहा था इन सारे मामलात की। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो लाहौर रंग का प्रोग्राम जिसका मैंने हवाला दिया उसके अंदर ये बच्चा अरेस्ट है, पुलिस ने पकड़ा है, इसका इंटरव्यू है, उसमें ये इतराफ़ जुर्म कर रहा है कि हाँ मैं गाड़ी मैं चलाता था, मेरे साथ ये दूसरे और लड़के होते थे, हम मोबाइल छीनते थे और हम पैसे भी छीनते थे, 60 से ज़्यादा इन्होंने वारदातें की। और भाई क्यों किया जाए, जब इनसे सवाल किया गया कि आप क्यों करते हो, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम अपने खर्चे पूरे करने के लिए करते हैं, खाने पीने के लिए हमारे खर्च हो जाते थे पैसे। तो ये भी एक चीज़ है, और इसमें इसकी करदार कशी करना बिल्कुल हर किस मेरा मकसद कतई नहीं है। इसमें सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि एक बच्चा जो इंतहाई खूबसूरत, पठान फैमिली से इसका ताल्लुक है, इंतहाई खूबसूरत, इसकी आप फेस लुकिंग देखें, उसके बाद इसकी आप बाइक के ऊपर स्टंट करने की अप्रोच को आप देखें, आपको अगर कोई पाकिस्तानी बच्चा अगर इस तरह के काम करता है तो आपको बीइंग ए पाकिस्तानी उस पर फ़ख्र होता है कि यार वाकई पाकिस्तान में भी इस तरह के हुनरमंद और टैलेंटेड लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं। और अभी उसी की उम्र ही क्या थी, 17-18 साल उसकी उम्र थी, अभी तो लाइफ उसने जीना था। तो मकसद ये कहने का, काश इसके वालदैन इसको फॉलो करते, लेके चलते, वो देख लेते, या काश किसी अच्छे इंसान की नज़र इसके टैलेंट के ऊपर आ जाती जो इसको ग्रूम करता और अच्छे रास्तों पे चलाते हुए इसको आगे लेके जाता। लेकिन चूंकि इसको शौक नहीं था, जुनून था, और जुनून के लिए ये इन्होंने अपने ही रास्ते बनाने शुरू कर दिए। इतनी जहनी बलूगत इतनी नहीं होती है इस उम्र के अंदर, ठीक है बहुत होशियार होंगे, समझदार होंगे, लेकिन एक जवानी और नई जवानी, उसकी जो उसका जो पावर और उसका जो नशा होता है वो अलग ही होता है। सोचने समझने की डर और खौफ नाम की चीज़ तो दिमाग में या दिल में होती नहीं है। तो इन्होंने अपना एक गैंग बना लिया, और इनके लिए तो बड़ा आसान काम था, मोबाइल छीना और गलियों में से निकल गए, किसी के बाप में ताकत नहीं जो इनको पकड़ सके। तो बहरहाल आज से 2 महीने पहले, जिसमें ये इतराफ़ करता है कि वन व्हीलिंग भी जो है ना वो ख़तरनाक चीज़ है, उसमें भी जान जा सकती है, मैं वो भी छोड़ दूंगा, और ये जो मैंने गलत काम किया ये भी मैं छोड़ दूंगा, अब इन रास्तों में नहीं मैंने आना। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो बंदा एक दफ़ा इस कानून के प्रोसेस से निकल जाता है वो इसकी सारी ऊंच नीच को समझ जाता है। सिलसिला चलता रहा, चालान भी हुआ केस, मतलब सारे जो तहकीकात थी मुकम्मल भी हुई, उसके बावजूद ये शाहनवाज बाहर था। तो पुलिस का भी ये फ़र्ज़ है, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे अदारे होने चाहिए जो अगर कोई भटक गया है अपनी राह से तो उसको जो है ना राह रास्ते पे लाएं, ताकि वो मुल्क का मुफीद शहरी बन के मुल्क का नाम रोशन कर सकता, बजाय इसके कि वो सीधे रास्ते पे आता, इनकी दुश्मनियाँ हो गई शॉपर गैंग के साथ, और नतीजतन इसको बेरहमाना और बड़ी जो है ना दर्दनाक किस्म की बेवक्त किस्म की मौत से हमकिनार होना पड़ा। तो दोस्तों इसमें जो है ना मैसेज उसके साथ जो हो गया, अल्लाह पाक उसकी मगफरत करे, उसके दर्जात बुलंद करे, उसके लवाहिकीन जो हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए और इंसाफ मिले उनको, क्योंकि ये व्हीलिंग में तो नहीं गया, ये बच्चा दुश्मनी में गया है। लेकिन इसमें हमारे लिए जो हम आवाम इस मूवीज़ को, इस वीडियोज़ को देख रहे हैं बड़ी तादाद के अंदर, हमारा ये कम अज़ कम हमारे लिए इबरत का मुकाम ये है कि बच्चे को अपना दोस्त बना के रखें, बल्कि उसके दोस्तों को भी अपना दोस्त बना के रखें। अगर आप उसके टैलेंट को भी चेक करें, अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको आगे ले आने के लिए उसके साथ टाइम दें ताकि वो आगे निकले। आपने देख लिया कि उस बच्चे में टैलेंट है, जुनून है, वो इस चीज़ से नहीं मना होगा, तो उसको वक्त दे के काश कोई उसको इस तरह का रहनुमा मिल जाता जो उसके सीधे रास्ते पर चलाता, तो आज वो हयात होता, ज़िंदा होता, और शायद वो अपनी लाइफ में और भी कारनामे अंजाम देता। लेकिन अफसोस कि गलत सोहबत, गलत हाथों में, और ख़ुद ही अपने कम इल्मी, कम एजुकेशन की वजह से अपने ही रास्ते बनाने के चक्कर में ये बच्चा जो है ना अपनी जान से हाथ धो बैठा, जिसका दुख पूरे मुल्क को है और इसके लवाहिकीन को तो है ही। तो बस आज मुझे यही बात करना थी, ये अलमनाक वाक्य है, इससे हमें सबक सीखना चाहिए। हमारे नौजवान अगर ये वीडियोज़ देख रहे हैं वो भी सीखें, और जो पेरेंट्स हैं ख़ासतौर पर उनके लिए तो ये इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। और मेरी रद्दअमल चैनल के अंदर मैसेज के बगैर कोई वीडियो आप नहीं देखेंगे, प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके अपनी राय भी दिया करें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।